दीवानी न्यायालय परिसर में 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि 12 मार्च को पूरे देश के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शमनीय वाद, आपराधिक वाद, ई चलानी, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना के मामले, बैंक ऋण वसूली, जल विद्युत सहित सभी मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय, ग्राम न्यायालय बांसगांव, चौरी चौरा, कैंपियरगंज, गोला सहित समस्त तहसीलों में भी आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है तथा यह प्रचार वाहन पूरे जनपद के गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगा, जिससे कि 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके और जनता को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन बैंक के महाप्रबंधक अजय अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय तथा जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, लिखित अधिनियम बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना, विद्युत एवं जल सुखाधिकार, अध्यादेश, विशिष्ट अंतोष वाद एवं नकल नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके यह जानकारी श्री देवेंद्र कुमार द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा दी गई। अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल वाद, सर्विस वादों, किराया, सुखा, ये जो आज जो माननीय जज साहब के द्वारा जो भेजे गए हैं वाहन सारे, ये पूरे गोरखपुर जिले में जगह जगह, गांव-गांव, छोटी छोटी जगह जाकर प्रचार करेंगे कि किस तरीके से 12 मार्च को जो राष्ट्रीय लोक अदालत की जा रही है, इसका कैसे जनता लाभ उठा सकती है, किस तरह से जो है सभी मामले, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो दूसरे बिजली विभाग के, श्रम विभाग के, MACT के, कैसे भी मामले हों, उनका जो है निपटारा किया सकता है, क्योंकि इसमें विधिक मान्यता प्राप्त है। एक अच्छा सुनहरा मौका होता है सबके लिए कि इसको जो है ये लोग जो है आपसी समझौते से और इसको जो है निस्तारण कर लें। सभी जगह इसका प्रचार है। मेरी भी अपील है कि सभी लोग जो हैं इसका लाभ उठाएं। प्रत्येक जैसे जब भी ये लोक अदालत होती है, लोग इसका लाभ उठाते हैं, तो इसमें इस बार भी जो है पूरा लाभ उठाएं। जहाँ तक बैंक का सवाल है, 20 लाख तक के सारे मामले जो हैं इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, चाहे वो सूट फाइल्ड हो, पहले से दावादार किया हो, चाहे वो नहीं किया हो, जिस स्थिति में भी हो, यहाँ पर समझौते के लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। तो 20 लाख तक के मामले के लिए जो है बैंक वाले सदैव तत्पर हैं। जितना भी जो है जैसा भी समझौता किया जाएगा, उस हिसाब से वो निस्तारण किया जाएगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार द्वितीय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत वाहन को रवाना किया, फिर कहाँ कहाँ जाएगा, किस तरह के मामलों का निस्तारण होगा 12 मार्च? ये आज जो वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, ये गोरखपुर जनपद के विभिन्न शहरी, ग्रामीण, अंचलों सब जगह जो है प्रचार प्रसार करेंगे। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के आपराधिक समनीय वाद और जैसे कि ट्रैफिक चालान, NI एक्ट 138 के मामले, और जो है दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, और मोटर दुर्घटना एक्सीडेंट से संबंधित मामले, और बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, और जल और विद्युत से संबंधित मामले, और विभिन्न प्रकार के राजस्व मामले जो जनपद न्यायालय व बाह्य न्यायालय बांसगांव व कैंपियरगंज, गोला, चोरी चौरा, ग्रामीण न्यायालयों में आयोजित की जाएगी लोक अदालत, और तहसील स्तर पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अवगत ही हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 तारीख को किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे छोटे छोटे मामले, शमनीय मामले और प्रत्येक तरह के वाद जो सुलह समझौते से किए जा सकते हैं निस्तारण,
उसको निस्तारित अधिकाधिक संख्या में किया जाएगा। छोटे छोटे मामले हैं, मामले आपराधिक भी छोटे हो सकते हैं, जो समनीय मामले हैं। समनीय मामलों का अर्थ होता है कि जिसमें बैठ करके बातचीत करने का हमको कानून अधिकार देता है, उसमें हमारे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बैठ करके उन आपराधिक मामलों को भी, छोटे छोटे मामलों को बातचीत से, आपस में सुलह समझौता करके, जुर्माना करके निस्तारित कर देते हैं। हमारी गोरखपुर के जनता से अपील है कि इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पुराने लंबित मामलों को बैठ करके बातचीत करके सुलह कराएं, देश हित में और स्वयं के हित में। धन्यवाद।